चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विच स्कॉलरशिप्स होंदियां ने ते बहुत ही अनेक प्रकार दियां स्कॉलरशिप्स हैगियां ने। अराउंड 10 तो 12 तरह दियां स्कॉलरशिप्स हैगियां जिहड़ियां असीं दिंदे हैगे। इस बारे भी ब्रीफ कर दूँ कि केड़ी केड़ी जी स्कॉलरशिप से ऑफर करते हैं एंड कि ये मेरिट बेसिस से होंगी या स्पोर्ट्स बेसिस से कि बच्चे का जोड़ा अपना टैलेंट है उस बेसिस से भी स्कॉलरशिप मिलती है या कुछ जो भी थोड़ा अकैडमिक चीज़ा होंगी। वर्थ अराउंड 60 करोड़ की स्कॉलरशिप्स तो असं सी यू सी टी के थ्रू दे रहे हैं। चाहे सी यू सी टी जो है साडा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो 10% तो लैके बच्चा 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकता। करा तो भी पता है कि बहुत सारे खेत्र है पंजाब के जिते बहुत ज़्यादा नुकसान होया पानी करके फ्लड्स करके जिदे करके आई थिंक पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते अपने बच्चों को पढ़ाना बिकॉज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्होंने भी कुछ हेल्प करूगी या जिदा कह सकती हाँ मैं कि घट तो घट किन्ने अमाउंट की स्कॉलरशिप ऑफर कर सकती है बच्चों। पेरेंट्स फाइनैशियली फिट नहीं है या फाइनैशियली साउंड नहीं है उन्होंने वास्ते साड़ियाँ स्कॉलरशिप्स है वो बच्चे की कंडीशन देखते हुए या उस बच्चे की फैमिली कंडीशन को देखते हुए उन्होंने रिव्यू करते हुए मैनेजमेंट स्कॉलरशिप्स दिता है। हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल। डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों का मैं जसवीर कौर स्वागत करती हूँ। सो गाइज, नवे सेमेस्टर शुरू हो गए हैं, जेड़े बच्चे स्कॉलरशिप्स के बारे सोच रहे हैं होर किते ना जान वो आन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यस, मैं आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हाँ जिते आज तुहानू सारी जानकारी मिलेगी कि स्कॉलरशिप दे की प्रोग्राम्स ने, केड़ी केड़ी स्कॉलरशिप्स लगदी हैं, की टर्म्स एंड कंडीशनस ने। सो आओ चलते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों का मैं जसवीर कौर स्वागत करती हूँ। सो आज मैं आई हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो गाइज, बहुत से लोगों को जी इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन मिल जाती है बट हले भी इदा की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशनस है जिसके बारे नहीं पता। सो अज मेरे नाल ने पंजाब रीजनल हैड हमनदीप सिंह ढिल्लों जी जो स्कॉलरशिप बारे ब्रीफ करेंगे कि सी यू के स्कॉलरशिप होंगे कि नहीं होंदिया, किड़े तरह स्कॉलरशिप होंगे तो इस बारे पूरी जानकारी देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाबी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इवेंट। सो सर, सब तो पहला मेरा सवाल है दैट बहुत से व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि सी यू स्कॉलरशिप लगांदा है कि नहीं लगांदा। डेफिनेटली जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स होंदियां ने ते बहुत ही अनेक प्रकार दी स्कॉलरशिप्स हैगियां ने ते उहदे विच जे आपां गल करिए तां अराउंड 10 तो 12 तरह दी स्कॉलरशिप्स हैगियां ने जिहड़ियां असीं दिंदे हैगे आ। सो सर, इस बारे भी ब्रीफ कर दो कि केड़ी केड़ी जी स्कॉलरशिप से ऑफर करते हैं एंड कि मेरिट बेसिस से होंगी या स्पोर्ट्स बेसिस से कि बच्चे का जोड़ा अपना टैलेंट है उस बेसिस से भी स्कॉलरशिप मिलती है या कुछ जो भी थोड़ा अकैडमिक चीज़ा होंगी। जे आप स्कॉलरशिप की गल करते हैं जी, साढ़े को वर्थ अराउंड 60 करोड़ की स्कॉलरशिप्स तो असं सी यू सी टी के थ्रू दे रहे हैं। चाहे सी यू सी टी जो है साडा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उहदे विच 10% तो लैके बच्चा 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकता है। इहदे विच साडे दो फेज होंदे ने, जिहड़ा फर्स्ट फेज है साडा वो 31 मई नूं खत्म हो जाता है, उस तो बाद साडा सैकेंड फेज कंटिन्यू रहिंदा है जद तक साडियां एडमिशन चलदियां ने। उहदे विच बच्चे ने की करना हुंदा है कि बच्चे का जिहड़ा प्रीवियस बैकग्राउंड हुंदा है, या फॉर एग्जाम्पल जे बच्चे ने क्लास 12th की है तो बच्चा बी टेक दे विच एडमिशन लै रहा है तो बच्चे नूं नॉन मैडिकल दे बेस ते इंग्लिश दे बेस ते क्वेश्चन आते हैं, उहदे बिहाफ ते बच्चा हैज़ टू स्कोर 100 दे विचों मिनिमम 40% टू अवेल स्कॉलरशिप्स। तो डिपेंडिंग अपॉन दी कि बच्चे का स्कोर किन्ना है, फॉर एग्जाम्पल जे बच्चे का स्कोर 70 to 80 के है तो बच्चे 50% स्कॉलरशिप मिलेगी फेज़ 1 के। सेम वे फेज 2 के स्कॉलरशिप्स देने, दिस इज़ वन पार्ट। उस तो अलावा जे आप गल करिए 100% स्कॉलरशिप लैन वास्ते एक होर तरीका है जो कि JEE मेन्स का स्कोर है जिदे असी ऑल इंडिया रैंक देखते हैं। जे बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 तो लैके 25,000 तक लै आता है तो बच्चे 100% फीसदी 100% स्कॉलरशिप मिलती है बीटेक के कोर्सेज के। इस तो अलावा असी प्रीवियस क्वालिफिकेशन देख के भी स्कॉलरशिप देने, फॉर एग्जाम्पल जे बच्चा मास्टर्स के एडमिशन लै रहा है फिर असी बच्चे की ग्रैजुएशन के स्कोर के बेस से स्कॉलरशिप देवे। जे बच्चा ग्रैजुएशन के एडमिशन लै रहा असी प्लस 2 के स्कोर के एडमिशन देवे। फॉर एग्जाम्पल जे बच्चा 80% तो उपर लेके आता स्कॉलरशिप डिपेंडिंग अपॉन कि स्कोर है 10% तो लैके 50% तक की स्कॉलरशिप असी अकैडमिक स्कॉलरशिप दें जिन्हों कहने। उस तो अलावा कुछ होर स्कॉलरशिप्स है साढ़े को, जिमें डिफेंस स्कॉलरशिप्स है जिदे असी तीनों कैटेगरीज कवर करते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उस तो अलावा असी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी कवर करते हैं जिदे असी 10% स्कॉलरशिप देने बच्चे नूं। एंड उस तो अलावा जे आप गल करिए सिंगल गर्ल चाइल्ड है जी, ऑरफनस वास्ते स्कॉलरशिप हैगी है, जिहड़े
ऑफिसर्स है डिफेंस ऑफिसर्स ऑन स्टडी लीव जिहड़े आते हैं उन्होंने असी स्कॉलरशिप दें सिबलिंग स्कॉलरशिप हैगी है ये सारिया स्कॉलरशिप्स असं दें एक होर स्कॉलरशिप हैगी है जी मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग दें दैट इज़ अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप वो असी 15% तो लेकर 20% तक की स्कॉलरशिप दें जी। सर तुसी जिवदा हुण गल कीती गर्ल चाइल्ड दी ऑफनस दी तां मैं अगर पंजाब दे हुंदे हालातां दी गल करां तुहानूं वी पता है कि बहुत सारे खेतर हैगे आ पंजाब दे जिथे बहुत ज़्यादा नुकसान होया पानी करके फ्लड्स करके जिहदे करके आई थिंक पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते अपने बच्चों नूं पढ़ाना बिकॉज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्हां लई वी कुछ हैल्प करूगी या जिद्दां कह सकदी आं मैं कि घट तो घट किन्ने अमाउंट दी स्कॉलरशिप ऑफर कर सकदी है बच्चों नूं। देखो जी वैसे तो हर एक स्टूडेंट वास्ते भावें वह पंजाब का या किसी होर भी स्टेट का हैगा असी CUCET एक कॉमन प्लेटफॉर्म रखा हुआ जिदे विच बच्चे नूं मिनिमम 10% स्कॉलरशिप तो मिलेगी मिलेगी ऑन मिनिमम स्कोरिंग 40% मार्क्स उस तो अलावा बच्चा 100% तक जा सकता है बट जे बच्चा उस दे थ्रू भी कोई स्कॉलरशिप नहीं लै सकता फिर असी मैनेजमेंट ना डिसाइड करके वील डिसाइड कि असी कोई होर स्कॉलरशिप ऑफर करिए बच्चे नॉर्मली असी जे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने उन्होंने एज पर मिनिस्ट्री ऑफ HRD पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दें जी जिदे वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन लै सकता है बच्चा जस्ट स्टूडेंट को 2000 रुपए देना पैंदा है। उस तो अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड जिवें मैं पहले ही कहा हैगा जी जिहड़े पेरेंट्स फाइनैंशियली फिट नहीं है या फाइनैंशियली साउंड नहीं है उन्हां वास्ते साडियां स्कॉलरशिप्स हैगियां ने वो बच्चे की कंडीशन नूं देखते हुए या उस बच्चे की फैमिली कंडीशन नूं देखते हुए उन्हों रिव्यू करते हुए मैनेजमेंट स्कॉलरशिप्स दिंदा है। सर काफ़ी जानकारी दी कि इस तो अलावा होर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशनस है जो स्कॉलरशिप के बच्चों ध्यान रखने की लड़ हैगी। बिल्कुल जी ये की हैगा है कि जिड़िया स्कॉलरशिप्स है हर स्कॉलरशिप की आपकी एक टर्म एंड कंडीशन है जेडे CUCET के स्कॉलरशिप्स ने या अकैडमिक स्कॉलरशिप्स है वो बच्चे असी फस्ट ईयर थ्रूट दें पहले दोवें सेमेस्टर देवे बट उस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने वास्ते बच्चा बच्चे 7.5 CGPA मार्क्स 75% अटेंडेंस तो किसी भी इनडिसिपलिन का कंडक्ट नहीं होना चाहिए सो दैट कि बच्चा जिहड़ा स्कॉलरशिप लैके फस्ट ईयर के आया है वो बच्चा आपका मोमेंटम मेनटेन करके रखे एंड वो बच्चा स्टडीज़ के भी उन्ना ही फॉरवर्ड हो बच्चा हर साल स्कॉलरशिप रिन्यू होती रहे सेम कंडीशन जिमें हम डिफेंस के स्कॉलरशिप्स है कंडीशन डिफरेंट ने सो पहले साल लिए बच्चे स्कॉलरशिप मिलेगी सैकेंड ईयर के कंटिन्यू होगी बट दैट इज़ कंडीशनल बेस्ड। सैकेंड थिंग ये होर है कि असी जी स्कॉलरशिप दें पूरी सैमेस्टर फीस से दें नॉर्मली तुम्हें देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ के ट्यूशन फीस से स्कॉलरशिप देंगे वेयर एज इन असी जी स्कॉलरशिप दे रहे हैं पूरी एक सैमेस्टर फीस दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे की 1 लाख रुपया सैमेस्टर फीस हैगी है तो बच्चे की जो 50% स्कॉलरशिप है तो बच्चे पूरे एक साल वास्ते दोवें सैमेस्टर 50,000 रुपये करना पड़ेगा सैकेंड ईयर के कंटिन्यू होएगी बेस्ड ऑन द कंडीशन। थैंक यू सो मच सर आई एम श्योर कि व्यूअर्स नू काफ़ी जानकारी मिल गई है एंड जो ऑनलाइन नहीं मिले तो अड़े वर्ड्स ने साफ बयां करता एंड जी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है आई वुड लव कि होर वधिया चले एंड जे स्टूडेंट्स उन्होंने होर ऑपरचुनिटीज़ मिले CU की तरफ तो। डेफिनेटली जी थैंक यू सो मच एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि बच्चे साढ़े को स्कॉलरशिप्स लेके जाए एंड जे बच्चे पढ़ना चाहते हैं एंड किसी भी कंस्ट्रेंट करके उन्हों की पढ़ाई नहीं छुट्टनी चाहिए उही रीज़न है कि असी स्कॉलरशिप्स रखिया ने उही रीज़न असी भी चाहते हैं कि वो बच्चा आपकी पढ़ाई पूरी करे तो जो भी वह सुपना है उन्होंने साकार करे। सो सर जे बच्चों ने स्कॉलरशिप लैनी हो जरूरी है कि यूनिवर्सिटी वॉक इन करना पड़ेगा वो ऑनलाइन या किसी होर पोर्टल के जरिए नहीं कर सकते। नहीं जी देखो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर एक बच्चा यूनिवर्सिटी आके ही स्कॉलरशिप अपलाई करे बच्चे का साडा एक ऑनलाइन पोर्टल बनया हुआ है जिद बच्चा जाके आपकी स्कॉलरशिप अपलाई करता आपके काउंसलर की हैल्प अपलाई कर सकता उस तो अलावा साडे पैन इंडिया जिहड़े ऑफिस है अराउंड 28 से 29 ऑफिस है पैन इंडिया बच्चा वेद वॉक इन जाके कर सकता है उत्थे अपलाई करवा सकता है बच्चा कैंपस आके अपलाई करा सकता है लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि बच्चे ने वॉक इन ही करना है बच्चा ऑनलाइन आपके COIMS पोर्टल से जाए उतो आपके काउंसलर की हेल्प ऑन कॉल बच्चा आपकी स्कॉलरशिप अपलाई कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। सो ये मेरे पंजाब रीजनल एडमिशन हैड हमनदीप सिंह ढिल्लो जी बहुत सारी जानकारी जी दी आई एम श्योर तुम्हें ज़्यादा मदद मिली होगी। कैमरा परसन जशन के नाल मैं जसवीर कौर डेली पोस्ट पंजाबी।